हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो आप देख आगे देखते रहिए हमारे वीडियो में, तो हम कैसे बनाते हैं वो भी प्रेशर कुकर में। और आप में से बहुत लोग जो है वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना और अपने दोस्तों को भी दिखाना इस वेजिटेबल रेसिपी की वीडियो। तो चलते हैं सीधा वीडियो में और आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर को चढ़ा के तेल लहसुन दिए। यहाँ पर देख सकते हैं दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, स्टार्निश और तेज पत्ता डाल के हमने यहाँ पर तेल पे डाल दिया गरम तेल में। इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका खुशबू निकल जाए। इसका खुशबू निकलने तक हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे जब तक जब इसका खुशबू निकलने आ जाएगा। अभी निकलने आ गया खुशबू, तो इसमें हम डालेंगे 2 प्याज कटे हुए स्लाइस्ड। तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम स्लाइस प्याज डालना है और इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। तब इसमें हम डालेंगे नमक ताकि इसका जो प्याज में जो पानी है वो निकल जाए, और जितना चाहिए आपको नमक सारा डाल देना है। और फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन और लहसुन का पेस्ट। और देख सकते हैं प्याज भी ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और करछी चलाते रहिएगा नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैप्सिकम लिया है, फूल गोभी लिया है, गाजर लिया है और बीन्स लिया है हमारे लिए, और ये रहा सोयाबीन। तो अभी इसको भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले जो भी चाहिए। तो यहाँ पर हम डालने जा रहे हैं ये देखिए हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, देगी मिर्च का पाउडर। अभी इसमें हमने देगी मिर्च तो डाल लिया, अभी जा रहा है इसमें गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून। और अभी इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, जितना लाल मिर्च डाल रहे हैं उसका डबल, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और फिर जो जीरा पाउडर है उसका 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, जितना लाल मिर्च डाला है हमने उसका 1/2 टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। ये गया जीरा पाउडर। और फिर इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर बेटर फ्लेवर के लिए। तो आपके पास घर में है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। अगर सौंफ का पाउडर ला लेंगे तो अच्छा फ्लेवर भी आएगा बिरयानी में, पुलाव भी कह सकते हैं हम, वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं हम इसमें। तो अभी तो हम इसको भून लेंगे। अभी देख सकते हैं पानी मसाला सूख रहा है और नीचे चिपक रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है भून जाए और नीचे ना चिपके। तो इसके लिए अभी हम इसमें डालें पानी। और ये क्या हमारा पानी, और पानी डालने के बाद इसको चला लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और इसके ऊपर एक बॉईल आना चाहिए, तो बॉईल आने तक इंतज़ार करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो देख ही सकते हैं अभी आपको तेल ऊपर आ चुका है एकदम, देखिए किनारे से तेल ऊपर आ चुका है और मसाले भी भून गए हैं। तो अभी इसमें हमने जो टमाटर काटे थे 2 टमाटर इसमें डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे हाई फ्लेम पे। और नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, तो नमक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी उसी नमक से टमाटर भी पक जाएगा। और ये देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है, इसका निशान यही है कि अच्छी तरीके से पक गया है मसाले। तो अभी एक एक करके हम सारे सब्जियां जो है इसको डाल देते हैं। अगर आपके पास आप ज़्यादा तेल खाना इच्छा करते हैं तो इसमें इसको सब्जियों को फ्राई कर सकते हैं तेल में, फिर डाल देना। तो क्योंकि हम कम तेल में बना रहे हैं तो इसलिए हम ऐसे ही डाल रहे हैं। और ये रहा सोया बड़ी, इन सबको डाल के हमको मिला लेना है अच्छी तरीके से। और फिर आगे बताते हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है मिला के 5-10 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पे, जब तक ये कुछ पानी ना छोड़ दे। उसके बाद हम चावल डाल के इसको जितना पानी आवश्यक होगा उतना ही डालेंगे। तो अभी हम इसको मिला दे रहे हैं, अभी अकेले तो मिला नहीं पा रहे थे तो मॉम को बुलाया हमने।
और यहाँ पर हमने चावल भी धो रहे हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल घर का चावल यूज किया है और उसको तब तक धोना है जब तक ये इसका पानी एकदम क्लियर नहीं हो जाता, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको धोना है। पूरा ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा पर फिर भी आपको 3-4 बार तो धोना ही है जिससे इसका एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाएगा और चावल एकदम खिला खिला बनेगा, नहीं तो वो चावल एकदम चिपकू चिपकू बन जाएगा। तो इसको 3-4 बार धो देना ही अच्छा है अगर आपको धोना ही तो चाहिए। और फिर हमने यहाँ पर चावल से डाल दिए सारे के सारे और फिर हम इसको मिला लेंगे। हमने एक कप में मेजर करके 3 कप चावल लिए थे तो उसी कप से मेजर करके हम उसका डबल पानी डाल देंगे। जितना कप पानी चावल लिया था उतना उसका डबल कप पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 6 कप मेजर करके रख दिया है और उतना ही पानी हम डाल देंगे इसमें और फिर इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो अभी स्टर करने के बाद इसका ढक्कन बंद करना है हमें। तो ढक्कन बंद करने से पहले हमने यहाँ पर एक रेडीमेड से बिरयानी मसाले का पैकेट लाए थे तो उसको भी डाल देंगे ऊपर से एकदम और फिर इसको स्टर करके हम ढक्कन बंद कर लेंगे। और ये गया ढक्कन और हाई फ्लेम पे इसको 1 सीटी आने तक छोड़ देंगे। जब सीटी आना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा वेट करके सीटी सारा सीटी निकाल देना है। आपको सीटी रखना नहीं आता नहीं तो चावल ज़्यादा ही पक जाएगा। सीटी पूरा निकाल देने के बाद इसको खोल के देखना है भाई क्या ही सुगंध आ रही है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अभी चलते हैं। और ये रहा हमारा वेजिटेबल पुलाव वो भी प्रेशर कुकर में। अभी इसको फटाफट मिला लेना है चारों तरफ। जो बिरयानी मसाला भी डाले थे वो भी ऊपर भी है उसको भी मिला लेंगे हम। तो अभी हम मिला के इसको खाने की तैयारी करते हैं और आपको आगे बताएंगे रिव्यू कैसा लगा हमें। अगर आपको भी पसंद है तो आगे आप घर में ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए, देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है चावल। और सारे सब्जियां भी मिले नहीं हैं, एकदम अच्छे से बने हैं सारी सब्जियां, कोई भी बिखरा हुआ नहीं है। और फिर हम यहाँ पर चावल की खाने के लिए रेडी हो चुके हैं टेस्टिंग के लिए। देखते हैं यहाँ पर फूलगोभी है, कैप्सिकम है, बीन्स है, गाजर भी है, सब कुछ सही सलामत है, कोई भी मिला नहीं है चावल के साथ, नहीं तो मिल जाते हैं। और हमने अभी इसको टेस्ट किया तो जैसे ही खड़े मसाले का फ्लेवर आ रहे हैं, सारे सब्जियों का फ्लेवर आ रहे हैं और ये बेहतरीन बनी है। तो आप भी घर में बनाए और सबको खिलाए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके मत जाना। तो मिलते हैं नई रेसिपी।